हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको ट्राउज़र की स्टिचिंग दिखाएंगे और कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही आपको दिखा दी है। तो आज हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो हमारे पहले हम सबसे पहले आसन पर जो निशान लगे हैं उनकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, मैंने मशीन से आसन को अपना सिल लिया है। ये ट्राउज़र एक पार्ट जो था वो हम उल्टा रखेंगे और एक सीधा रखेंगे। तो ये देखिए, हमने एक सिलकर तैयार कर लिया और दूसरा भी तैयार कर लिया। तो इस तरीके से हम अपने निशान जो लगे हुए हैं उस पर ही हम मशीन चलाएंगे। तो पहले हम इसको इस तरीके से बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद में जो हमारी अंदर की साइड है हमें उस पर मशीन चलानी है। तो हम आपको बता रहे हैं, तो आप अपनी मशीन हो तो आप उससे अपनी सिलाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने आसन भी सिल दिया और एक साइड भी सिलकर तैयार कर दी। अब जो हमारे नीचे पाँव के पाँचे होते हैं तो उनको हम इस तरीका से एक बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में ऐसे फोल्ड करके पट्टी जैसे टाइप की बनाएंगे हम। फिर उसके बाद में हम इसके दोनों साइडों में मशीन चला देंगे। हमें दोनों पाउचों में ही इस तरीके से मशीन चलानी है। तो हम ये देखिए, हमने मशीन चलाकर तैयार कर लिया। हमारे पाउचा बनकर तैयार हो चुके हैं ये दोनों साइडों में। और ये हमने पहले ही मशीन चला दी थी। ये हम अब जो हमें बाहर की साइड वाली जो सिलन चलानी है वो हम बाद में चलाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे ये जो खोले एक साइड सिलना है हमें जो, तो उसको हम पहले नीचे पाँचों में थोड़ी सी इजी डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे पहले थोड़ा सा, जितनी भी हमें खुली रखनी है नीचे की साइड मोहरियों में, तो वो मोहरियों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। हमें थोड़ी सी ही चाहिए। आप अगर चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकती हैं। हमने थोड़ी ही बढ़ाई। ये देखिए, हमने डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिए। थोड़ा सा खुला रहेगा हमारा नीचे की साइड में। तो ये हम अब हमको इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए, बनकर डिज़ाइन तैयार हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और ये अब हम इस पर मशीन चलाएंगे। जहाँ जितनी हमने डिज़ाइन बनाई है वो डिज़ाइन की हम उसको छोड़ देंगे, उस पर हमें मशीन नहीं चलानी। ये देखिए, अब हम जो हमारा ऊपर का नेफा होता है जिसमें हमें इलास्टिक डालनी है, तो हम चौड़ी वाली ही लेंगे। अगर आप जितनी चौड़ी चाहें तो चौड़ी भी लगा सकते हैं, पतली चाहें तो पतली भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चौड़ी वाली ली है। ये देखिए, हमारी रबड़ जो है खींच भी रही है। तो हम यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से हम इसको डालेंगे और नेफा भी चारों तरफ बनकर तैयार हो चुका है हमारा। ये देखिए, कुछ हमने स्टोवा के लिए कुछ बटने लिए हुई हैं जो हमें डिज़ाइन के ऊपर ही लगानी है। तो हमारे ट्राउज़र की डिज़ाइन कुछ और भी अच्छी लगेगी। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच पर 3 निशान लगाए हुए हैं और ये हमें दोनों पाउचों में बनाना है, इधर साइड वाले में और एक उधर पैर में, दोनों में ही लगाने हैं निशान लगा के 1.5 इंच पर। हमें इस तरीके से इसको रख लेंगे और रखने के बाद में हम अपने सुई की मदद से इसको सिलकर तैयार करेंगे कुछ इस तरीके से। आप जिस कलर की बटन लगाना चाहें उस कलर की लगा सकते हैं। मुझे वाइट पसंद थी तो मैंने वाइट लगाई। ये देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा ट्राउज़र किस तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। पूरी स्टिचिंग हो चुकी है और बटन भी हमने लगा ली है। तो ये हमारा ये ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, हमारा ट्राउज़र तैयार हो गया। ये अब हमने पहन लिया है, तो आप भी पहन कर देख लीजिए कितना अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।